दो श्लोक और हैं नृसिंह पुराण के मंगलाचरण के, जो भगवान नृसिंह के बड़े सुंदर स्वरूप का ध्यान किया गया है। ये दो श्लोक तो अभी लिखवा देना यहां दीवाल पर। तप्तहाटक के शांत ज्वलत पावक लोचना वज्राधिक नखस्पर्श दिव्य सिंह नमोस्तुते पांतु वो नरसिंहस्य नखलांगूलकोटयः हिरण्यकशिपोर्वक्षः क्षेत्राश्रिकर्दमारुणा। यहां भगवान नृसिंह को दिव्य सिंह कहा गया। एक तो भोगयोनि में पड़ा हुआ सिंह है, किसी कर्मफल के भोग के लिए सिंह की योनि प्राप्त हुई है, पर यह कर्मफल भोग के लिए सिंह योनि प्राप्त करने वाले भगवान नहीं है। ये तो अपनी लीला से जीवों को कर्म बंधन से छुड़ाने के लिए प्रकट हुए हैं। महाराज जी, स्पष्ट भगवान ने प्रहलाद जी से कहा है, त्वाम च माम च स्मरण काले कर्म बंधैर विमुच्यते। हे प्रहलाद जी, जो मेरे और तुम्हारे नाम का चरित्र का स्मरण करेंगे वे जीव कर्म बंधन से मुक्त हो जाएं। भगवान कर्म बंधन में बंधे नहीं है, भगवान कर्म बंधन से मुक्त करने के लिए इस सिंह रूप में प्रकट हुए हैं। इसे नृसिंह पुराण में भगवान को दिव्य सिंह कहा गया। ये प्राकृत सिंह नहीं है, दिव्य सिंह नमोस्तुते। हे दिव्य सिंह, आपके चरणों में हम प्रणाम करते हैं। आपके जो केश हैं वो कैसे हैं? तप्त हाटक केशांत, सोने को, खरे सोने को जब तपा दिया जाता है अग्नि में वो चमकता है, ऐसे चमकते हुए तपाए हुए स्वर्ण के समान चमकते हुए आपके केश हैं, और धधकते हुए अंगार के समान लाल लाल आपके नेत्र हैं, और आपके नख कैसे हैं? बोले वज्राधिक नख स्पर्श, आपके नख का स्पर्श वज्र से भी अधिक कठोर है। आयुधानाम अहम वज्रः, आयुधों में भगवान ने वज्र को अपनी विभूति कहा। वज्र अमोघ है, और उस वज्र के संबंध में भी ऐसा वर्णन मिलता है कि हिरण्यकशिप की छाती से टकरा करके वज्र नीचे गिर गया, पर उस हिरण्यकशिप की छाती का एक रोया नहीं झड़ा, उसकी छाती में खरोंच तक नहीं आई। आप विचार कर सकते हैं हिरण्यकशिप का वक्षस्थल कितना कठोर होगा। इंद्र अपना वज्र उठाकर भाग गया, और उस हिरण्यकशिप के वक्षस्थल को भगवान नृसिंह ने न चक्र का स्पर्श किया, न गदा का स्पर्श किया, केवल अपने नखों के स्पर्श से ही उसका वक्षस्थल विदीर्ण कर दिया। इसलिए कहा गया वज्राधिक नख स्पर्श, वज्र से भी अधिक जिनके कठोर नख हैं, ऐसे दिव्य सिंह भगवान नृसिंह के चरणों में हम प्रणाम करते हैं। जो भगवान नृसिंह का स्मरण करते हैं उनके जीवन में कभी अलाय बलाय भूत प्रेत की बाधा कभी नहीं आती है। दुष्ट ग्रह अरिष्ट ग्रह का सर्वथा निरसन हो जाता है, फिर किसी के दरबार में जाने की जरूरत नहीं, किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। नृसिंह भगवान सबकी सर्वविध रक्षा करते हैं। आगे का जो मंगलाचरण का श्लोक है नृसिंह पुराण का, वो आशीर्वादात्मक है। पहला नमस्कारात्मक है और आगे आशीर्वादात्मक है। पांतु वो नरसिंहस्य
नखलांगूल कोटयः हिरण्यकशिपोर वक्षः क्षेत्रासृकर्दमारुणाः। कितनी बढ़िया उपमा दी है। भगवान नृसिंह के जो नख हैं वही हैं हल, हल का अग्रभाग, हल के फार होते ना हल के, आप सब समझ रहे हैं कि नहीं। आजकल तो ट्रैक्टर से जुताई होती है, पहले हल चलते थे, तो हल का जो फार होता है उसके जैसे जिनके भयंकर नख हैं, और जो हिरण्यकशिपु रूपी दैत्य के वक्षस्थल रूपी खेत को जोतने वाले हैं, उसकी छाती ही खेत है, अधर्मी की छाती, उसको फाड़ने वाले हैं, और वो नख लगने से उसकी कीचड़ से उनके नख लाल लाल हो गए हैं, ऐसे रक्त रंजित भगवान सिंह के प्रचंड नख आप सबकी रक्षा करें। ये नृसिंह रक्षा विधान मंत्र है जिसमें सबकी रक्षा का विधान किया गया है। बोलो नृसिंह भगवान की जय। आप लोग समझ तो गए ना, ये ऐसे वैसे देवता नहीं है, ये सीधे पेट फाड़ने वाले देवता हैं, सीधी आंत निकालने वाले देवता हैं। इसे नृसिंह भगवान के सेवक को किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है। श्री सीताराम प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।